गाइस, वेलकम बैक टू आरएल चौहान व्लॉग। सॉरी, आरएल चौहान नहीं है अब मेरे चैनल का नाम है काशी व्लॉग, क्योंकि आरएल चौहान थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था कि ये वर्ड होना चाहिए, मतलब किसी चैनल के लिए, किसी चैनल को बनाने के लिए एक वर्ड होना चाहिए, जो कि आरएल चौहान थोड़ा अजीब सा था। मतलब मुझे बाद में ध्यान आया क्योंकि और भी मेरे जो देखे चैनल्स, तो उनमें मतलब कोई नाम लिख देता है या कोई टाइटल दे देता है, बट मैंने आरएल करके ऐसे करके दिया था, तो कोई भी अगर सर्च करेगा तो सर्च में मतलब उतना जल्दी वो नहीं जाएगा। इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके आरएल से काशी व्लॉग रख दिया है। सो आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड अभी शाम के बज गए हैं, 7 बज गया है और अभी हम आ गए किचन में। तो ये देखिए, इधर मैंने यहाँ पे खाना बनाने के लिए सारा तैयारी कर लिया है जो मुझे आज बनाना है। और आज मुझे बनाना है मटर, बनाना है मुझे आज मटर की सब्जी। और एक और सब्जी हम बनाएंगे आज, आज हम दो तरीके की सब्जी बनाने वाले हैं। अभी जो हम कल लाए थे तरोई का फूल, वो भी मुझे बनाना है और वो हम बनाएंगे आज नई कढ़ाई में। तो इधर देखिए, नई कढ़ाई में जो स्टिकर लगा हुआ था वो ऐसे छूट नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होगा तो वो आसानी से निकल जाएगा, उसका जो स्टिकर लगा हुआ है उसमें। और इधर मैंने प्याज गलने के लिए रखा था, तो ये हो गया है लगभग। अभी देख लेते हैं इसको हम निकाल के, और ये पानी भी बॉयल होने लगा है, तो मुझे इसको पहले छोड़ के देख लेते हैं। बाकी एक दो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए ये देखते हैं, ये देखिए मेरा प्याज मुझे नहीं गला है, अभी और इसको लगा देते हैं, सीटी लगा देते हैं, 2-3 सीटी। और उसमें का जो बॉयल हो गया है पानी, और स्टीकर भी निकल गया अच्छे से, तो उसको धो के लाते हैं फिर उसमें हमें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने का मैंने रख दी, और पहली बार मैं दूध ही बनाई हुई बनाने वाली हूँ खाना, क्योंकि मेरे पास वो एल्यूमिनियम का था, तो बोलते हैं ना लोहे की कढ़ाई में अच्छा टेस्ट आता है बनाने से, तो देखते हैं कि कैसा आता है। और बाकी मैंने इधर डिब्बे दूध लिए हैं, क्योंकि इन डिब्बों से ना थोड़ा सा अजीब सा स्मेल आ रहा था, मुझे लग रहा काफ़ी टाइम से बंद थे, इस वजह से थोड़ा सा अजीब स्मेल कर रहा था, तो मैंने धो दिए हैं सारे डिब्बे। और उसके बाद से इसमें इधर हमारा मसाला हो गया है, थोड़ा सा गल जाएगी, सॉरी प्याज और ये टमाटर मैंने डाला था, ये बन गया है। इसमें हम डाल देते हैं मसाला, ये मैंने अभी थोड़ा सा मैं डाल दिया, इसको मैंने धो लिया है और ये बहुत अच्छा था, इसमें कुछ भी खराब नहीं था, ये हल्का हल्का सा बस सूख गया है, कल लाए थे हम लोग तो ये उसकी वजह से सूख गया है ये। मतलब अगर आप जिस दिन ला रहे हैं उसी दिन बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज देख के सूखने लग रहा है। तो अभी हम ये वाली सब्जी भी देख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। हमने मसाला डाल दिया, ये देखिए हमारा मसाला भी सूख गया है इससे। लहसुन भी डाला हुआ है, बहुत लोगों को पसंद होता है, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा खाना बन गया है,
ये सब्जी जो तरोई के फूल की थी, और रोटी, और ये है हमारी मटर की सब्जी। तो ये है आज का हमारा डिनर। आज का हमारा डिनर, जो मैंने चावल नहीं बनाया क्योंकि चावल खाने का मन नहीं है, बस यही रोटी ही खाएंगे हम लोग, सब्जी रोटी। तो चलिए अभी हम खा लेते हैं चल के खाना, और उसके बाद से मुझे आज करनी है सफाई अपने की, उसके बाद से बर्तन वगैरह भी धुलना है। तो चलिए हम खा लेते हैं चल के, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू काशी व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज गए हैं 6 बजे, और आज मुझे अभी करना है अपने किचन को थोड़ा बहुत ठीक करना है, जो मैंने एक बार बताया था जो भी मुझे इस पे पेपर वगैरह लगाना है, तो अभी हम वही करने वाले हैं। और ये देखिए मेरे पास पेपर है, कल मेरे अपने आ गए थे पेपर, तो अभी मुझे इन सबको हटा के थोड़ा सा इसको क्लीन करके, इस पे धूल भी बहुत ज़्यादा है, जैसे थोड़ा साफ करके इस पे पेपर लगाना है। चलिए, और ये जो डिब्बे हम लेके आए थे इनको मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अजीब सा स्मेल कर रहा था। तो अभी इनमें मुझे मसाले और जो भी चीज़ें हैं वो मुझे रखना है इसके अंदर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना काम। पहले हम ये सारे डिब्बे हटा देते हैं। सभी मुझे हटाने हैं, क्योंकि पुराने बहुत ज्यादा ही पुराने हैं, ये इन सबको हटाना है।
तो ये एकदम ही खराब डिब्बे थे जो कि अब मुझे फेंकना है और पूरा जो कि निकला है। ये देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, मैंने सारा पेपर ऊपर लगा के एकदम अच्छे से पूरे डिब्बे चेंज कर दिए हैं जो ठीक नहीं लग रहे थे मुझे, और अब मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही मुझे इतने टाइम से क्लीन करना था इसको, इन डिब्बों को चेंज करना था जो कि आज फाइनली हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अभी टाइम हो गया है कम से कम 7-8 घंटा मुझे लग गया इसको साफ ऑफ करने में, 7 बज गया है। तो अभी मुझे बनाना है खाना, तो खाने में आज बनाएंगे बीन्स की सब्जी और रोटी। तो चलिए बाकी मेरा आज का वीडियो रहता है यहीं तक, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।